लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या कर रही हो काजल? क्यों नहीं बताया कि आप लोग यहाँ आ रहे हो? मैं भी साथ आ जाती। पता नहीं था तुम कब लौटोगी, और फिर बच्चों ने जिद की इसलिए हम चले आए। चलो अच्छा किया, अब घर चलते हैं। तुम चलो, हम आते हैं। अब तक नाराज हो? नहीं। तो फिर चलते क्यों नहीं? क्योंकि कार में बैठने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं बस से आ जाऊंगा। जानवी दीदी, जब वो बस में जा रहे हैं तो मैं कार में कैसे जा सकती हूँ? आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं। हम पापा के साथ आए थे ना मम्मी, अब आपके साथ जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। चल प्रीति। रोमी प्रीति चलो अपने कमरे में आके सो जाओ। चलो। नहीं, मुझे यहीं खेलना। बाकी कल खेलो। चल। हमें यही अच्छा लगता है माँ के पास। तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैं। तुम तो मम्मी हो, माँ तो ये है। चलती है ये, लगा दो थप्पड़। चल बंद करो, बंद करो। चल, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। नहीं। बहुत होशियार समझ रही है अपने आप को, वही तो। मगर मेरे साथ ये चला कि नहीं चलने वाले। माँ है माँ। जरा ध्यान नहीं दिया कि तो मेरे पति और बच्चों की सबसे बड़ी हमदर्द बन बैठी। अरे यूं लुभा लूंगी उन सबको। दो दिन, सिर्फ दो दिन मेरे हाथ का बना नाश्ता खाएंगे ना तो भूल जाएंगे उसके पास आना जाना। अरे सुनो जी, जल्दी लगाओ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर। आप देखना कैसे मांग मांग कर खाते हैं। अच्छी गुड़िया, क्या पराठे बनाए, एक पराठा और जाना। वाकई जानवी, आज नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना। कमबख्त आंखें नहीं खुली जल्दी, अलार्म लगा के कल सुबह और जल्दी उठूंगी। क्या करूं? जानवी मैं जा रहा हूं। जल्दी आना। We'll be right back.
तक तो तुम पर तरस आता था, लेकिन अब वो भी नहीं आता। इतना गुस्सा करने लायक मैंने क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया मैंने? मेरे पूछा क्या किया मैंने? जवाब दो, मैंने क्या किया? इतनी बड़ी गलती करके पूछती है क्या किया है? अरे तूने तो खुद अपने सुखचैन में आग लगाई है, और पूछती है लपटे क्यों उठ रही है? बहुत रुपया कमा लिया ना तूने, सारी जिंदगी खर्च नहीं होंगे, लेकिन अपन रुपये को खर्च करने लायक जिंदगी बची है तेरे पास? एक कटोरी शक्कर मिलेगी जानकी बहन? लाती हूँ। तू काजल है ना बेटी? मेरा पति मुझे छोड़ गया, तू खुद अपने पति को छोड़ आई, हम दोनों की ही किस्मत फूटी निकली। ये क्या अजीब सी बात कर रही हो काजल? तुम अपने होश में तो हो? होश में आ गई हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मैं ही जानती हूँ मैंने क्या खोया है। नहीं चाहिए मुझे ये बंगला, ये कार, ये सब कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटी तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे, झगड़ा खत्म हो जाए इसी बहाने। आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे? वो कुछ बोल रही है। बोल बेटी बोल। किससे कहिए अपनी सारी दौलत वापस ले ले और मेरा पति मुझे लूट ले। काजल तुम कैसी? आप जरा ठहरिए। और इस बात का मतलब क्या हुआ दीदी? मतलब साफ है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस चले जाओ अपने घर। मेरे यहाँ से चले जाने से आपको आपके पति वापस मिल जाएंगे, हो सकता है वो भी मेरे साथ ही चले जाए। देखा माँ, देखा कितने रात से बात कर रही है। एक तो मेरे पति और मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और वापस आई। क्यों उस बड़ी लड़की को कोस रही हो काजल? तूने अपनी गृहस्थी खुद ही तो उजाड़ी है दौलत और शान की खातिर। देखो काजल, हमारे दामाद पे मेरी जानवी का हक तुमसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? कानूनन वो राज की पत्नी है और राज से प्यार भी करती है। यानी कि मैं नहीं प्यार करती हूँ उनसे? तुम प्यार क्या जानो, जिसने पैसों के लिए अपने पति को बेच दिया। किस मुंह से कह रही हो कि जानवी चली जाए यहाँ से? तुम क्यों नहीं चली जाती घर छोड़ के? बदले में जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगा। आओ बेटी। बड़ा अच्छा मौका है बेटी, मांग ना, वो मांगी रकम मिल जाएगी तुझे। 10 बंगले 20 गाड़ियां और खरीद सकती है तू। बाबूजी। बेटी ऐसे मैं क्या बोलूं, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। दौलत में ही सारा सुख है, यही कहा था ना तुम्हें काजल? आज तुम्हारे पास सारी दौलत है, लेकिन मैंने तुमसे बड़ा गरीब नहीं देखा। पैसे मिलेंगे तो क्या तुम मुझे और प्रीति को भी बेच दोगी? साथ खाना खाते हैं, क्या पता
फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। खिला दीजिए, अपने हाथों से खिला दीजिए। पता नहीं ऐसा मौका फिर कभी मिले ना मिले। ऐसे बेकार आदमी शादी क्यों करते हैं? काजल, काजल हौसला रख, काजल हौसला रख। मेरे सचमुच अपनी जिंदगी जहन्नुम कर ले। लौट गए मैं, काश मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊं तो छोड़ जाओ, मैं मर जाऊं तो छोड़। कैसी बातें कर रही है काजल, कैसी बातें कर रही है? कोई चीज हाथ से छूट के कुएं में गिर जाए तो उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि खुद डूब मरना चाहिए। नहीं जानती, मैं सब कुछ जानती हूँ। हसमुख लाल जी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। उस डायन जानू ने मेरे पति को बस में कर लिया, मेरे बच्चों को भी कुछ खिलाकर मुझसे दूर कर दिया। पागलों वाली बातें मत कर, तू तू जानवी को उसकी सारी दौलत वापस लौटा दे और उसे वापस जाने को कह। मैंने सब कुछ करके देख लिया पर वो डस से बस नहीं होती, अड़के बैठ गए। मैं क्या करूं? ये अच्छी जबरदस्ती है, तू तू किसी अच्छे वकील से राय क्यों नहीं ले लेती? इसमें शुक्रिया की क्या बात है सानी साहब, ये तो मेरा फर्ज था। साहब आपको कोई नीचे मिलने आई है? शायद मेरा कोई क्लाइंट है। आप बैठिए, मैं अभी उससे मिलकर आता हूं। तुम आप कैसे आना हुआ? मैं अपने पति से फिर से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, आप भी हंसी है, मेरी जिंदगी पर तो सभी को हंसी आ रही है। माफ करना बेटी, मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि तुम शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रही हो। याद है मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था कि अपने पति से तलाक मत लो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम अपने पति की दूसरी शादी बकायदा करवाना चाहती थी, जो तुम्हारे तलाक लिए बिना नामुमकिन था। अब भी वही बात लागू होती है, अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो पहले मौजूदा पत्नी को उसे तलाक देना होगा। क्या वो इस बात पर राजी है? नहीं। तो फिर तुम ही बताओ ये कैसे मुमकिन है? वो तो मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करके उस चुड़ैल को मेरे घर से निकलवा दीजिए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तलाक तो मैंने यूं ही दिखावे के लिए लिया था, एक तरह का समझौता किया था कानून के साथ। सच पूछिए तो अभी भी मैं राज की पत्नी हूँ। नहीं, अब राज की पत्नी जानवी है, तुम नहीं। क्यों नहीं? ये मंगलसूत्र भी है ना मेरे गले में? हाँ है, मगर अब ये सिर्फ एक गहना है, सजावट की चीज। नहीं ऐसा मत कहिए, मन से वचन से तन से मैं उन्हीं की पत्नी हूं। लेकिन कानून के मुताबिक अब जानवी ही उसकी पत्नी है। तो फिर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं?
कहते हुए जबान तो नहीं चलती, पर तुम जिद करती हो इसलिए कह देता हूं। तुम एक ऐसी विधवा हो जिसने अब तक अपनी मांग से सिंदूर नहीं पहुंचा।